मशहूर गायक नरेंद्र चंचल, जिन्होंने आज ही के दिन 12:30 बजे दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। जी हां, नरेंद्र चंचल जो माता रानी के गाने गाया करते थे, नरेंद्र चंचल जिन्होंने 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन ऐसे में नरेंद्र चंचल तब सबसे ज्यादा चर्चा बटोरते नजर आए थे जब नरेंद्र चंचल के बेटे को लेकर खबर सामने आई थी। दरअसल मशहूर गायक नरेंद्र चंचल के बेटे के साथ दक्षिण दिल्ली के और भी कई नामी फैशन डिजाइनरों के शोरूम पर इनकम टैक्स ने अपना छापा मारा था। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तलाशी के दौरान लेनदेन के कुछ सबूत मिले थे। खबरों की माने तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम्स ने दक्षिण दिल्ली के करीब 25 डिजाइनर्स के शोरूम पर छापेमारी की थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन डिजाइनर्स के द्वारा बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने के सबूत भी मिले। खबरों की माने तो तलाशी के दौरान बड़े पैमाने पर लेन देन का पता चला और कई तरह के दस्तावेज भी बरामद हुए। ज्यादातर शोरूम डिफेंस कॉलोनी, खान मार्केट, महिपालपुर और ग्रेटर क्लास में। बता दें कि नरेंद्र चंचल के घर पर भी छापेमारी की गई थी। खबरों की माने तो नरेंद्र चंचल का बेटा टैक्स चोरी के मामलों में आयकर टीम की रडार पर भी था। आयकर विभाग की एक टीम ने उनकी पुश्तैनी मकान की भी तलाशी ली, जिसमें कई तरह के दस्तावेज बरामद हुए। बता दें कि ये छापा राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा और तीसरा छापा था, जिसके तहत 22 मई को आयकर विभाग ने 2 रियल एस्टेट की कंपनीज पर भी छापा मारा था, जिसमें 215 करोड़ रुपए का काला धन बरामद किया था। ये कंपनियां यमुना के खादर के में जमीन और फार्म हाउस बेच रही थी। दोनों रियल एस्टेट कंपनियों के 33 ठिकानों पर छापे मारे गए थे और इस तरह 8 मई को भी बड़े टेंट ऑपरेटर के यहां छापा मारा गया था, जहां पर 100 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी बरामद हुआ था। तो ये है पूरी खबर, जहां पर नरेंद्र चंचल जी के बेटे ने टैक्स चोरी की थी, जिसकी वजह से वो भी आ गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर। नेक्स्ट लाइफ से रजनी की रिपोर्ट।